हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों दोस्तों हर पेशेंट के लाइफ में सबसे बड़ा दिन रहता है जिस दिन उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना रहता है। तो आज मेरे लिए भी काफ़ी खास दिन है आज का, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है कि आज मुझे भी डिस्चार्ज करना है। तो आज दोपहर बाद तक मैं भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा और अपने घर पे पहुंच जाऊंगा। करीब 8 दिन तक हॉस्पिटल में रहा दोस्तों, और ये 8 दिन में हॉस्पिटल के बहुत ही मेरे को जो हॉस्पिटल के अनुभव थे, हॉस्पिटल में किस तरीके से नर्स और वार्ड बॉय, डॉक्टर्स, ये लोग अपनी कड़ी मेहनत के साथ पेशेंट्स का देख रेख करते हैं, वो सारी चीज़ों का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा मेरा 8 दिन का। मैं दिखाता हूँ मेरा वह रूम जिसमें मैं 8 दिन गुजारा हूँ। साथ में मेरे घर वाले, मेरे बड़े भैया, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, कुछ मेरे दोस्त, वो लोग भी हमेशा मेरे साथ में रहे यहाँ पे और मेरा देखभाल किया। घर पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरे 7 दिन के बाद घर आना नसीब हुआ है। गांव से आई है माता जी, काफ़ी परेशान थी। घर में सब लोग काफ़ी खुश हैं। गांव से मम्मी, बड़े भैया, अरुण और दुर्गेश चाचा, ये लोग गांव से आए थे। सब काफ़ी मतलब घबराए हुए थे, काफ़ी इन लोगों ने मेरा ध्यान रखा। और 8 दिन पूरा मैं हॉस्पिटल में था, और आज घर में काफ़ी खुशी का माहौल है क्योंकि मैं 8 दिन के बाद घर के सदस्यों के बीच में हूँ। तो चलिए दोस्तों, जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि आपके ऊपर जो डिपेंड लोग हैं ना, सिर्फ आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं है, आपकी ज़िंदगी के लिए आपके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीबी, सब लोग आपकी ज़िंदगी पे डिपेंड हैं। तो इसलिए यह ज़िंदगी सिर्फ अपनी मत समझिए, यह ज़िंदगी पे उनका भी हक है, और इस ज़िंदगी को संभाल के रखिए, बहुत ध्यान दीजिए इसका, और अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत चलिए दोस्तों, बाय।